Subscribe to Matters English channel and press the bell icon for the latest video updations. Hello friends, welcome back to Matters English. Friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव वॉइस का पार्ट टू. पार्ट वन में हमने डिस्कस की थी इंडेफिनेट टेंसेस के बारे में, किस तरह से इंडेफिनेट टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, पूरा डिटेल में जाके आपको समझाया था. इसलिए आज के इस वीडियो में थोड़ा सा उस लेवल को कम रखेंगे क्योंकि इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है. हम ऊपर ऊपर ही बात करेंगे और सारे पैसिव वॉइस को आज कंप्लीट कर देंगे. आज के जो सेंटेंसेस की मैं बात करूंगा उसमें हम बाय का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जितने भी अभी जो स्पोकन इंग्लिश में हम यूज करते हैं, जितने भी सेंटेंसेस हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, उसमें बाय का यूज बहुत ही रेयरली किया जाता है, बहुत ही हार्डली बाय का यूज होता है. तो अब जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं पैसिव वॉइस में मॉडर्न इंग्लिश में, उसमें हमने एक तरह से बाय का यूज बहुत कम कर दिया है. हम थोड़े से स्टैंडर्ड सेंटेंसेस बोलते हैं. किस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडर्स इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. आज जो टेंस डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला टेंस है कंटिन्यूअस टेंस और स्टार्टिंग होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से. जैसा कि हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर. जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ने मदद की थी प्रेजेंट इंडेफिनाइट की क्योंकि उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ने उसकी मदद की थी. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हो गए, परफेक्ट टेंसेस हो गए, मैंने कहा था अपने आप में कैपेबल हैं, इसलिए कुछ वर्ड्स अपने साथ में यूज करते हैं. तो मैंने कहा था कि जब भी इज एम आर मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वर्ब बनाया जाएगा तो इज एम आर के साथ में लग जाएगा बींग. याद रखने का तरीका बी के साथ में आईएनजी, ऐसा मैंने कहा था. तो आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बड़ा ही सिंपल है, रहा है रही है पे पहचान होती है कि यहाँ पर सेंटेंस एंड होते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है. सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज एम आर क्योंकि इज एम आर की हेल्पिंग वर्ब होती है. उसके ठीक बाद हमें लगाना है बींग, बी ई आई एन जी, बींग. बींग के बाद आएगा आपका मेन वर्ब जिसकी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो बाय सब्जेक्ट को आज हम रिमूव कर रहे हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट पर बात करेंगे. यहाँ इस वाले सेंटेंसेस में जितने भी सेंटेंस मैं आज बनाऊंगा उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, बाय का यूज बहुत ही कम करेंगे. तो आइए मूव करते हैं इसके सेंटेंसेस पर. स्ट्रक्चर को रखिएगा दिमाग में, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस आपका थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट. तो आइए बनाते हैं इसके सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है. आइए देखते हैं. तो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है, मनीष को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है. मनीष को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है. किया जा रहा है वर्ब है, क्या ब्लैकमेल किसे, मनीष को. ब्लैकमेल करने वाला कौन है, यह मिसिंग है, मतलब यह यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ब्लैकमेल कोई पर्सन ही करेगा. तो यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टूड है. तो इस तरह के पैसिव वॉइस हमें डेवलप करना है, इस तरह के पैसिव वॉइस हमें बनाना है जिसमें सब्जेक्ट एक तरह से अंडरस्टूड होता है, मिसिंग होता है लेकिन अंडरस्टूड होता है कि हाँ यहाँ पर सब्जेक्ट तो यूज़ हुआ है लेकिन सेंटेंस में नहीं दिख रहा है. तो इस तरह के पैसिव वॉइस यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में भी. अगर आप बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, किसी भी न्यूज़पेपर की, तो इस तरह से सेंटेंसेस यूज़ होते हैं जहाँ पर बाय का यूज़ नहीं होता है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है. तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं, इसका इंग्लिश बनेगा, किसे ब्लैकमेल किया जाता है, मनीष को. तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, आएगा सबसे पहले तो मनीष. अब मनीष यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगेगा इज. मनीष इज, इसके ठीक बाद लगता है बींग और बींग के ठीक बाद लगेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि हो जाएगा ब्लैकमेल्ड. और आखिरी में आएगा अदर वर्ड मतलब फॉर मनी. तो पूरा इंग्लिश बनेगा, मनीष इज बींग ब्लैकमेल्ड फॉर मनी. मनीष इज बींग ब्लैकमेल्ड फॉर मनी. मनीष को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है. मनीष इज बींग ब्लैकमेल्ड फॉर मनी. तो इस तरह से हमें यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बनानी है. आइए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारी क्लास में तारीफ हो रही है. तुम्हारी क्लास में तारीफ हो रही है. हो रही है वर्ब, क्या तारीफ किसकी, तुम्हारी तारीफ
कौन कर रहा है, यह मिसिंग है, मतलब अंडरस्टूड है कि कोई फैकल्टी या कोई टीचर ही आपकी तारीफ करेगा, मतलब अंडरस्टूड है लेकिन सेंटेंस में मिसिंग है, तो यह भी पैसिव वॉइस है तो इसका इंग्लिश बनेगा। किसकी तारीफ हो रही है, तुम्हारी मतलब ऑब्जेक्ट, यू, यू के साथ हमेशा लगता है आर, आर के ठीक बाद लगेगा बींग, बींग के ठीक बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब तारीफ करना मतलब एडमायर, तो वो हो जाएगा एडमायर्ड। कहाँ पर, क्लासरूम में, तो वो आ जाएगा सबसे आखिरी में क्योंकि अदर वर्ड है, तो इन क्लासरूम, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू आर बींग एडमायर्ड इन क्लासरूम, यू आर बींग एडमायर्ड इन क्लासरूम, तुम्हारी क्लासरूम में तारीफ हो रही है, यू आर बींग एडमायर्ड इन क्लासरूम। तो एडमायर होने का मौका आपको भी मिलेगा, आपकी भी क्लास में प्रशंसा होगी, आप भी एडमायर किए जाएंगे क्लास में, अगर आप पैसिव वॉइस को अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी भी क्लासरूम में तारीफ जरूर होगी। मूव करते हैं थर्ड सेंटेंस पर। तीसरा सेंटेंस है, तुम्हारा फोन चेक हो रहा है, तुम्हारा फोन चेक हो रहा है। अब यहां पर चेक हो रहा है वर्ब है, क्या तुम्हारा फोन, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, आएगा सबसे पहले, तो योर फोन, अब योर फोन यहां पर सिंगुलर है, मतलब कि फोन यहां पर सिंगुलर है एक तरह से, तो यहां पर लगेगा इज, तो योर फोन इज बींग, और फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब चेक्ड, योर फोन इज बींग चेक्ड, योर फोन इज बींग चेक्ड, तुम्हारा फोन चेक हो रहा है, योर फोन इज बींग चेक्ड। तो ध्यान रखिएगा, फोन कभी भी चेक हो सकता है, फिर सेंटेंस चाहे एक्टिव में बने या पैसिव में क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल मूव करते हैं फोर्थ सेंटेंस पर। चौथा सेंटेंस है, उसे वहां टॉर्चर कर रहे हैं, उसे वहां टॉर्चर कर रहे हैं वर्ब, क्या, टॉर्चर, किसे, उसे, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, आएगा सबसे पहले, तो उसे के लिए सब्जेक्टिव केस में यूज होता है ही, तो वो आ जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, ही के साथ हमेशा लगता है इज, ही इज, इसके ठीक बाद लगेगा बींग, उसके बाद लगेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब टॉर्चर्ड, कहां पर, वहां पर, मतलब देयर, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज बींग टॉर्चर्ड देयर, ही इज बींग टॉर्चर्ड देयर, उसे वहां टॉर्चर कर रहे हैं, ही इज बींग टॉर्चर्ड देयर। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करते जाने हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस, एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन आपको करना है, जहां पर हमने देख लिया है एक तरह से स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जमाते जा रहे हैं सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि इंडेफिनेट में जो सीखा था उसमें थोड़ा सा कुछ कंटिन्यूस में अलग होगा, नहीं, स्ट्रक्चर एकदम सेम रहेगा, सारी चीजें एकदम एक्यूरेटली जमेगी, जिस तरह से आपको सिक्वेंस दे रखा है उसी तरह से आपको सिक्वेंस में सारे वर्ड्स को रखते जाना है, पैसिव वॉइसेस बनती चली जाएंगी। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का लास्ट सेंटेंस। आखिरी सेंटेंस से, हमें टीवी देखने के लिए मना किया जा रहा है, हमें टीवी देखने के लिए मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है वर्ब, किसे, हमें, क्या, तो यहां पर क्या करने से कोई आंसर मिल नहीं रहा है, तो यहां पर डायरेक्ट इसका इंग्लिश बनाते हैं, इसका इंग्लिश बनेगा किसे मना कर रहे हैं, हमें मतलब वी के साथ हमेशा लगता है आर, आर के ठीक बाद लगेगा बींग, और बींग के ठीक बाद लगेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि हो जाएगा रिफ्यूज का रिफ्यूज्ड, टू वॉच टीवी, वी आर बींग रिफ्यूज्ड टू वॉच टीवी, हमें टीवी देखने के लिए मना किया जा रहा है, वी आर बींग रिफ्यूज्ड टू वॉच टीवी। आज का दूसरा टेंस हम सीखने जा रहे हैं जो कि है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान होती थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की कि सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, आता था। तो यहां पर डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर, बड़ा सिंपल सा है, जैसा कि हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सेम चीज हमें करनी है पास्ट कंटिन्यूस में भी। और मैंने हमेशा कहा है अपने पहले वीडियो में कि आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने बींग यूज करा था, यहां पर भी हम बींग का यूज करेंगे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमने ली थी इज एम आर, तो यहां पर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो कि होती है वाज वर, और वो हमें मिलती थी कंटिन्यूस टेंस से ही। जब हम पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वर्ब बनाते थे तो कंटिन्यूस की मदद लेते थे, उसके पास ऑलरेडी वाज वर होता था, उससे हम उसकी हेल्प लेते थे और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट के ट्रांसलेट करते थे। तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूस में कुछ ऐड करने की जरूरत है, तो वो है बींग, बाकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर उसके साथ पहले से थी। तो स्ट्रक्चर बनेगा,
सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर यूज होगा वाज, वर। उसके बाद में आएगा आपका बींग, उसके बाद आएगा मेन वर्ब जो कि हमेशा आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, फिर सब्जेक्ट। तो बाय को यहां अवॉइड करेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट पर बात करेंगे, ये आज का हमारा रूल है। आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किए जाते हैं। आइए देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहला सेंटेंस है, दंगे में सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। दंगे में सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे वर्ब, क्या सैकड़ों लोग, कौन मार रहा था ये यहां पर अंडरस्टूड है कि कोई टेररिस्ट हो सकता है या फिर कोई दंगे में ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर लोग ही एक दूसरे को मार रहे हों, तो वहां पर ये इस तरह से मिस्टीरियस सा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि या तो पीपल एक दूसरे को मार रहे हैं या फिर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज अंडरस्टूड है। लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है सैकड़ों लोग, तो आ जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर इंग्लिश बनेगा हंड्रेड्स ऑफ पीपल, पीपल यहाँ पर प्लूरल है मतलब वर का यूज होगा, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर बींग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर बींग किल्ड इन रायट, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर बींग किल्ड इन रायट, दंगे में सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, दंगे में सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर बींग किल्ड इन रायट। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रायट, रायट का मतलब होता है दंगा फसाद, जो भी दंगा फसाद हो जाता है एक तरह से नाउन है उसे कहा जाता है रायट। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है मुझे वहां इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, मुझे वहां इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, बुला रहे थे वर्ब, किसे मुझे इंटरव्यू के लिए, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट अभी भी मिसिंग है कि कौन बुला रहा था, हो सकता है बॉस हो वो उसे बुला रहा हो, कंपनी की तरफ से ऑफर आया हो, तो कंपनी भी एक तरह सब्जेक्ट हो सकता है बाय कंपनी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है मतलब सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है मतलब ये पैसिव वॉइस है, तो इसका इंग्लिश बनेगा किसे बुला रहे थे, मुझे मतलब आए, आए के साथ हमेशा लगता है वॉस, वॉस के ठीक बाद लगेगा बींग, बींग के ठीक बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि हो जाएगा कॉल्ड, देयर फॉर एन इंटरव्यू, आई वॉज बींग कॉल्ड देयर फॉर एन इंटरव्यू, आई वॉज बींग कॉल्ड देयर फॉर एन इंटरव्यू, मुझे वहां इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। तो भाई आपको भी कभी भी इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, रेडी रहेगा अपने रिज्यूमे के साथ में। फिलहाल मूव करते हैं थर्ड सेंटेंस पर। तीसरा सेंटेंस है हमें वहां रोका जा रहा था, हमें वहां रोका जा रहा था, रोका जा रहा था वर्ब, किसे हमें, रोकने वाला कौन है, अंडरस्टूड है कि कोई पुलिस होगी या ट्रैफिक पुलिस होगी, तो यहां पर ये चीज अंडरस्टूड है, तो इसका इंग्लिश बनेगा किसे रोक रहे थे, हमें मतलब वी, वी के साथ हमेशा लगता है वर, वर के ठीक बाद लगेगा बींग, बींग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब स्टॉप्ड, वहां मतलब देयर, वी वर बींग स्टॉप्ड देयर, वी वर बींग स्टॉप्ड देयर, हमें वहां रोका जा रहा था। फोर्थ सेंटेंस है मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था वर्ब, क्या इन्फॉर्म, किसे, मुझे, किसे नहीं किया जा रहा था इन्फॉर्म, मुझे मतलब में हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आ जाएगा वो सबसे पहले मतलब आए, आए के बाद हमें, आए के साथ हमेशा लगता है वॉज, अब यहां पर नहीं वर्ड आ रहा है मतलब हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद लगेगा नॉट, आई वॉज नॉट बींग इन्फॉर्म्ड, आई वॉज नॉट बींग इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था, I was not being informed. और आज का past continuous का last sentence है, तो past continuous का आखिरी sentence है, उसे सब कुछ English में समझाया जा रहा था, उसे सब कुछ English में समझाया जा रहा था,
समझाया जा रहा था वर्ब, क्या, सब कुछ, किसे, उसे, इंग्लिश में हो गया अदर वर्ड। किसे समझाया जा रहा था, उसे मतलब वो हो गया ऑब्जेक्ट, तो आएगा सबसे पहले ही। ही के साथ हमेशा लगता है वॉज, बींग, बींग के बाद लगेगा एक्सप्लेन, मतलब आपका थर्ड फॉर्म जो कि हो जाएगा एक्सप्लेन, या फिर टॉट भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर कोई किसी को पढ़ा रहा हो तो एक्सप्लेन या टॉट दोनों को यूज किया जा सकता है। तो ही वॉज बींग एक्सप्लेन्ड और टॉट एवरीथिंग इन इंग्लिश। ही वॉज बींग एक्सप्लेन्ड और टॉट एवरीथिंग इन इंग्लिश, उसे सब कुछ इंग्लिश में समझाया जा रहा था। तो भाई ऐसे ही चलने देना है, हर चीज को इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसा कि मैंने पैसिव वॉइस के पहले वीडियो में कहा था कि हिंदी में जो सीक्वेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में जो सीक्वेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी मत कीजिएगा। मैं जिस तरह से ट्रांसलेशन बताता हूँ आपको, इंग्लिश टू इंग्लिश ही उसे याद रखना है, भले ही वो हिंदी में कुछ भी हो, आपको उसे इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद रखना है, जब भी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। ऐसा इसीलिए होता है कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं फिर बोलते हैं तो वो टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही चीज़ों को सोचा जाए और उसी टाइम उसे इंग्लिश टू इंग्लिश ही कहा जाए, तो फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। इस टिप को ध्यान रखिएगा। फिलहाल मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, तो हम बनाएंगे पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इनके पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाए जाते पिछले मैंने वीडियो में कहा था, तो आज वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इनके पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनते हैं, और बनाने को अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं लेकिन वो बहुत ही रेयरली यूज होता है। अब देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में बात करेंगे आखिरी में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है आता है। और एक और बात कि गया है अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है, वो आ गया है, वो जा चुका है, ऐसा कोई सेंटेंस आता है गया है वाला, तो भी वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। क्यों? गया ये आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वह आ गया इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट टेंस है, मतलब कि पास्ट है। उसके साथ में अगर आप लगाते हैं गया है, इनकम्प्लीट प्लस है, तो इनकम्प्लीट प्लस है अगर आपके सेंटेंस में आता है तो वह टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चीज ऐड होगी, बीन। कंटीन्यूअस में ऐड होता था बींग, परफेक्ट में ऐड होगा बीन, और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, हैज हैव आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो वहां लगेगा हैज हैव, उसके बाद में आएगा बीन, बीन के ठीक बाद लगेगा मेन वर्ब, जहां पर वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। बाय सब्जेक्ट, बाय को आज हम रिमूव कर रहे हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट पर मूव करेंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसके भी सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर से इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाने हैं। आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहला सेंटेंस है, आपसे झूठ बोला गया है। आपसे झूठ बोला गया है, बोला गया है वर्ब, क्या, झूठ, किसे, आपसे, बोलने वाला कौन होगा, या तो कोई पर्सन होगा या आपका कोई चहेता फ्रेंड होगा जिसने आपसे झूठ कहा है। किससे झूठ कहा है, आपसे मतलब यू, यू के साथ हमेशा लगेगा हैव, हैव के ठीक बाद लगेगा बीन, उसके बाद लगेगा आपका थर्ड फॉर्म मतलब लाइट, यू हैव बीन लाइट, यू हैव बीन लाइट, आपसे झूठ बोला गया है, यू हैव बीन लाइट। तो इस तरह से आपको बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आइए मूव करते हैं इसके सेकंड सेंटेंस पर। आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड सेंटेंस है, उसे आने से मना कर दिया गया है। उसे आने से मना कर दिया गया है, मना कर दिया है वर्ब, किसे, उसे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। मना करने वाला कौन है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, घर का कोई मेंबर हो सकता है जो आपसे बड़ा है, वो यहाँ पर आएगा, मतलब अंडरस्टूड है, यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो ऑब्जेक्ट है किसे, उसे, मतलब ही, तो ही आएगा सबसे पहले। ही के साथ हमेशा लगता है हैज, हैज के बाद लगेगा बीन, बीन के बाद लगेगा आपका थर्ड फॉर्म मतलब रिफ्यूज्ड, टू कम, ही हैज बीन रिफ्यूज्ड टू कम,
ही हैज बिन रिफ्यूज्ड टू कम, उसे आने से मना कर दिया गया है। आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है, उससे सबूत छीने गए हैं, उससे सबूत छीने गए हैं, छीने गए हैं वर्ब, क्या सबूत, क्या किसे करने से, क्या करने से तो आंसर मिल गया है कि सबूत, किसे करने से आंसर मिल रहा है, उससे, मतलब इसके साथ में फ्रॉम लग रहा है, फ्रॉम हिम, उससे, फ्रॉम हिम, तो यह चले जाएगा आखिरी में, तो इसका इंग्लिश बनेगा। अभी मेन फोकस हमारा सबूत पर है, क्या छीने गए, सबूत, एविडेंसेस। अब यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, सबूत छीने गए हैं मतलब सबूत प्लूरल है, सबूत छीना गया है मतलब सबूत जो है वो सिंगुलर है। अब यहां पर एक से ज्यादा सबूत है मतलब कि एविडेंस के साथ में लगेगा हैव, तो इसका इंग्लिश बन जाएगा एविडेंसेस हैव बीन स्नेच्ड फ्रॉम हिम, एविडेंसेस हैव बीन स्नेच्ड फ्रॉम हिम। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है स्नैच, स्नैच का मतलब होता है छीनना, किसी भी चीज को छीन लेना, जबरदस्ती करके उस चीज को छीन लेना, उसे कहा जाता है स्नैच। आइए मूव करते हैं इसके लास्ट सेंटेंस पर जो कि है सेंटेंस नंबर 4। प्रेजेंट परफेक्ट का आखिरी सेंटेंस है, आपके कॉलेज से किसे सिलेक्ट किया गया है, आपके कॉलेज से किसे सिलेक्ट किया गया है, किया गया है वर्ब, क्या सिलेक्ट, किसे सिलेक्ट किया गया है, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है तो ये आएगा सबसे पहले। तो किसे के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है हूं, तो हूं आएगा सबसे पहले। अब हूं यहां पर सिंगुलर है तो हैज यूज हो जाएगा, हूं हैज के ठीक बाद आएगा बीन, हूं हैज बीन के ठीक बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब सिलेक्टेड, तो हूं हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम योर कॉलेज, हूं हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम योर कॉलेज। अब यहां से सिलेक्ट करने वाला कौन होगा, सिलेक्टर्स ही होंगे, आपके फैकल्टी मेंबर्स ही होंगे, तो हु हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम योर कॉलेज। इस तरह से बनाए जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइसेस। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस, पहचान दी चुका है, चुकी है, या फिर गया है, गई है, इस तरह से आपकी पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और वहां पर स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा था, ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बाय का फंडा आज हमने हटा दिया है तो थोड़ी चीजें कम हुई है, इससे सेंटेंस थोड़ा सिंपल बनेगा। और ध्यान रखिए इस बात को कि जितने भी न्यूज़पेपर्स में, या टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, इकोनॉमिक टाइम की बात करें, द हिंदू टाइम, या फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें, जितने भी न्यूज़पेपर है इंग्लिश के, उसमें जो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका होता है वो कुछ इसी तरह का होता है, जहां पर बाय सब्जेक्ट नहीं यूज होता है, डायरेक्टली जिस तरह के सेंटेंसेस आपको बताते जा रहा हूं उसी तरह के कुछ सेंटेंसेस वहां पर ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो चीज को ध्यान रखिएगा, बाय सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिमूव करने का ट्राई कीजिएगा। वो पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअल में पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही हार्डली बाय का यूज हमने करना शुरू कर दिया है, बहुत ही हार्डली यूज होता है बाय का, पैसिव वॉइस कुछ इसी फॉर्मेट में बनते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टेंस जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर से वही तरीका, पास्ट परफेक्ट टेंस आया है मतलब कि चुका था, चुकी थी, या फिर गया था, गई थी। गया इनकम्प्लीट, उसके साथ में लग जाएगा था, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। गया प्लस है, इनकम्प्लीट प्लस है, तो वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गया था पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहचान बड़ी सिंपल सी, आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाना है सिर्फ हैड, वहां हमने यूज किया था हैज हैव के साथ में बीन, और यहां पर हमें यूज करना है हैड का, बड़ा ही सिंपल सा है फंडा। तो यहाँ पर यूज करते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर लगेगा हैड, हैड के ठीक बाद लगेगा बीन क्योंकि परफेक्ट टेंस है, उसके ठीक बाद आएगा आपका मेन वर्ब जो कि आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय को हटाना है, डायरेक्टली आएगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये है आपका स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर अप्लाई होगा सेंटेंसेस बनाते समय। आइए देखते हैं इसके कुछ एक सेंटेंसेस। तो पास्ट परफेक्ट का सबसे पहला सेंटेंस है, जनता को वोट देने के लिए राजी किया गया था, जनता को वोट देने के लिए राजी किया गया था, किया गया था वर्ब, क्या, राजी, किसे, जनता को, वोट देने के लिए आ जाएगा अदर वर्ड सबसे आखिरी में।
तो इसका इंग्लिश बनेगा किसे राजी किया गया था, जनता को, तो द पब्लिक, द पब्लिक। अब यहां पर हैड, एक ही वर्ड यहां पर यूज हो रहा है हैड, इसके पहले कुछ वर्ड नहीं है जैसे हैज और हैव होता था, यहां पर ओनली हैड है, तो यहां पर सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है, हैड को सबके साथ यूज किया जा सकता है भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो द पब्लिक हैड बिन, उसके बाद लगता है मेन का थर्ड फॉर्म मतलब कन्विंस का हो जाएगा, कन्विंस्ड। तो द पब्लिक हैड बिन कन्विंस्ड टू कास्ट द वोट, द पब्लिक हैड बिन कन्विंस्ड टू कास्ट द वोट। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वोट देने के लिए गिव वोट यूज नहीं होगा, मैं वोट दूंगा आई विल गिव द वोट, नहीं आई विल कास्ट द वोट, मैं वोट दूंगा। वोट देने के लिए वर्ड यूज होता है कास्ट, सी ए एस टी, कास्ट द वोट, वोट देना। इस तरह से आपको बनाना है ये सेंटेंस। तो इलेक्शंस आने वाले हैं और आपको अपना वोट सही कैंडिडेट को देना है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका इंग्लिश बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, इंग्लिश बनेगा इलेक्शंस आर ड्राइंग नियर एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ड्यूटी, और यू कैन से यू नीड टू कास्ट योर वोट टू राइट कैंडिडेट। कीप दैट इन माइंड, इसे दिमाग में जरूर रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। फिलहाल मूव करते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस है उसे आखिरी बार मुंबई में देखा गया था, उसे आखिरी बार मुंबई में देखा गया था, देखा गया था वर्ब, किसे, उसे, आखिरी बार मुंबई में, ये हो जाएगा अदर वर्ड जो कि आएगा सबसे लास्ट में। किसे देखा गया था, उसे मतलब ही के साथ लगेगा हैड तो लगना ही है, ही हैड बिन, उसके ठीक बाद लगेगा आपका थर्ड फॉर्म मतलब सी सॉ सीन, तो सीन यहां पर लगेगा, इन मुंबई लास्ट टाइम आखिरी में आ जाएगा, तो इंग्लिश बनेगा ही हैड बिन सीन इन मुंबई लास्ट टाइम, या फिर लास्ट टाइम ही हैड बिन सीन इन मुंबई, या फिर ही हैड बिन सीन इन मुंबई लास्ट टाइम, दोनों ही सेंटेंस सही है। लास्ट टाइम की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। फिलहाल वो करते हैं आज के थर्ड सेंटेंस पर। आज का तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है आपको मूर्ख बनाया गया था, आपको मूर्ख बनाया गया था, बनाया गया था वर्ब, क्या, मूर्ख, किसे, आपको, बनाने वाला कौन है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसे आपने कभी मूर्ख बनाया होगा और आप, और आज उसने आपको मूर्ख बना दिया, तो यहां पर किसे मूर्ख बनाया गया, आपको मतलब यू, वो हो गया ऑब्जेक्ट, हैड बीन, उसके ठीक बाद लगेगा मैड मतलब वो आपका थर्ड फॉर्म, यहां पर मूर्ख बनाना मतलब मैक फुलिश, तो मैक फुलिश वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह यूज होगा तो लगेगा मैड, मैड फुलिश, यू हैड बीन मैड फुलिश, यू हैड बीन मैड फुलिश, आपको मूर्ख बनाया गया था, यू हैड बीन मैड फुलिश, यू बीन मैड फुलिश, नो यू डिडंट यूज योर माइंड एट दैट टाइम, दैट्स व्हाई द पीपल कॉल्ड यू योर फुलिश। How was it sound? It's American, it's British. No, it's a hybrid. फिलहाल मूव करते हैं फोर्थ सेंटेंस पर। आज का चौथा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का आखिरी सेंटेंस है, उसे उन दिनों यह सिखाया गया था, उसे उन दिनों यह सिखाया गया था, सिखाया गया था वर्ब, क्या, यह, किसे, उसे, उन दिनों हो जाएगा अदर वर्ड जो कि आएगा सबसे आखिरी में, तो उसका इंग्लिश बनेगा किसे सिखाया गया था, उसे मतलब ही हैड बीन, बीन के ठीक बार लगेगा वो आपका थर्ड फॉर्म मतलब एक्सप्लेन्ड, या फिर यहां पर आप टॉट भी यूज कर सकते हैं, समझाया गया था, पढ़ाया गया था, टॉट भी यहां पर यूज हो सकता है किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो ही हैड बीन एक्सप्लेन्ड और टॉट दिस दोज डेज, ही हैड बीन एक्सप्लेन्ड और टॉट दिस दोज डेज। तो सेंटेंसेस खत्म होने को ही है, टेंस भी खत्म होने को ही है, आज का लास्ट टेंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है तो उसके एक टेंस पीछे है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, गई होगी, वही बात कि गया इनकम्प्लीट था उसके साथ में लगा दिया होगा तो उसके साथ में आ जाएगा इनकम्प्लीट प्लस होगा, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां पर यूज होगा।
इसकी पहचान की बात करें तो ये जैसे पहचान मैंने बताई वो होगी, लेकिन स्ट्रक्चर की पहचान करें तो बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लगेगा विल या शैल, डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। अगर आपका सेंटेंस डिटरमाइंड है तो वहां पर शैल का यूज होगा, नॉर्मल सेंटेंस है तो विल का यूज होगा। उसके ठीक बाद लगेगा हैव, क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हैव का लगाना जरूरी है। डायरेक्ट विल के शैल के बाद में बीन लगाने से सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं होगा, इसलिए उसके साथ में लगेगा हैव, क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है। उसके बाद में लगेगा बीन, जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट या फिर जैसे परफेक्ट टेंस होते हैं वहां लगता ही है बीन। उसके बाद में लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि हमेशा पैसिव वॉइस में लगता है, प्लस सब्जेक्ट, बाय का यहाँ पर यूज नहीं होगा। लास्ट सेंटेंस का बनाएंगे जिसमें बाय का यूज करेंगे। फिलहाल देखते हैं इसका सबसे पहला सेंटेंस किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। आइए देखते हैं इस पहले सेंटेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट का सबसे पहला सेंटेंस है, बच्चों को खाना खिला दिया गया होगा। बच्चों को खाना खिला दिया गया होगा, खिला दिया गया होगा वर्ब, क्या, खाना, किसे, बच्चों को खिलाने वाला कौन है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, दादी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो सब्जेक्ट मिसिंग है, मतलब पैसिव वॉइस यहाँ पर है। तो इसका इंग्लिश बनेगा किसे खिला दिया गया, बच्चों को, मतलब द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर विल हैव लगना है, हैज की तो बात ही नहीं है, तो विल हैव लगा दीजिए। द चिल्ड्रन विल हैव बीन, फीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेड, मतलब खिलाना, फैट। The children will have been fed. The children will have been fed. बच्चों को खाना खिला दिया गया होगा। The children will have been fed. तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है feed. Feed का सेकेंड फॉर्म होता है fed, fat. थर्ड फॉर्म भी fed, सेकेंड फॉर्म भी fat. Feed, fed, fat. आइए मूव करते हैं इसके दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, उसे कल की पार्टी में इनवाइट किया जा चुका होगा। उसे कल की पार्टी में इनवाइट किया जा चुका होगा, किया जा चुका होगा वर्ब, क्या, इनवाइट, किसे, उसे, कल की पार्टी में हो गया अदर वर्ड। यहाँ पर इनवाइट करना एक तरह से वर्ब है, तो इनवाइट करना पूरी को वर्ब ही ले लेते हैं, इनवाइट किया जा चुका होगा वर्ब हो गया आपका, बाकी जो वर्ड यूज हुआ है कल की पार्टी में ये हो गया आपका अदर वर्ड। तो इसका इंग्लिश बनेगा किसे, उसे, मतलब ही, विल हैव बीन, बीन के बाद लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, ही विल हैव बीन इनवाइटेड इन टुमारोज पार्टी, ही विल हैव बीन इनवाइटेड इन टुमारोज पार्टी, उसे कल की पार्टी में इनवाइट किया जा चुका होगा, ही विल हैव बीन इनवाइटेड इन टुमारोज पार्टी। आइए मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के तीसरे सेंटेंस पर, जो कि है, तीसरा सेंटेंस है, उसे समय पर दवाई दी जा चुकी होगी। उसे समय पर दवाई दी जा चुकी होगी, दी जा चुकी होगी वर्ब, क्या, दवाई, किसे, उसे, समय पर हो गया अदर वर्ड जो कि चले जाएगा आखिरी में। किसे दवाई दी जा चुकी होगी समय पर, उसे, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब आएगा सबसे पहले ही, फिर लगेगा विल, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में लगेगा हैव, मतलब विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद में लगेगा बीन, बीन के ठीक बाद लगेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब गिवन, ही विल हैव बीन गिवन द मेडिसिंस ऑन टाइम, मतलब समय पर, ही विल हैव बीन गिवन मेडिसिंस ऑन टाइम, ही विल हैव बीन गिवन द मेडिसिंस ऑन टाइम, मतलब उसे समय पर दवाई दी जा चुकी होगी। इस तरह से फ्रेम करते चले जाना है। अगर आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है तो इस पॉइंट को दिमाग में रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है, बाकी सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे, सिर्फ रूल्स वही रहेंगे, जितने भी रूल हमने डिस्कस किए सेम रूल रहेगा। एक पैराग्राफ सिर्फ, एक इतना सा पैराग्राफ आपको याद रखना है, पैराग्राफ भी नहीं कहेंगे, एक तरह से एक पॉइंट ही कहेंगे, बस इस पॉइंट को याद रखना है और हेल्पिंग वर्ब को वहां से चेंज करते चले जाना है, आपके सेंटेंसेस ट्रांसलेट होते चले जाएंगे। फिलहाल मूव करते हैं आज के फोर्थ सेंटेंस पर। चौथा सेंटेंस है, भारत के द्वारा आतंकवाद पर नई योजना बना ली जा चुकी होगी। भारत के द्वारा आतंकवाद पर नई योजना बना ली जा चुकी होगी, बना ली जा चुकी होगी वर्ब, क्या, नई योजना, कौन बना रहा है नई योजना, भारत के द्वारा,
अब यहाँ पर भारत के द्वारा सब्जेक्ट मिल चुका है, मतलब पुराने सेंटेंस रिपीट होने लगे हैं, मतलब बहुत राहत की सांस आपने ली होगी कि इतने सारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो मिसिंग था, अंडरस्टूड था, लेकिन यहाँ पर अब सब्जेक्ट सामने ही दिख गया है। किसके द्वारा बना ली गई? भारत के द्वारा। क्या बना ली गई? नई योजना, मतलब न्यू पॉलिसी, वो आएगा सबसे पहले। द न्यू पॉलिसी किस पर? टेररिज्म पर। तो ऑन टेररिज्म, द न्यू पॉलिसी ऑन टेररिज्म विल हैव बीन। अब यहां पर योजना बनाने के लिए एक वर्ड यूज होता है फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड। तो इसका इंग्लिश बनेगा द न्यू पॉलिसी ऑन टेररिज्म विल हैव बीन फॉर्मुलेटेड किसके द्वारा? बाय इंडिया। द न्यू पॉलिसी ऑन टेररिज्म विल हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय इंडिया। भारत के द्वारा आतंकवाद पर नई योजना बना ली जा चुकी होगी। और आज का आखिरी सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस है। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट का आखिरी सेंटेंस है, यह समस्या सुलझा ली गई होगी, यह समस्या सुलझा ली गई होगी। सुलझा ली गई होगी वर्ब। क्या? यह समस्या मतलब दिस प्रॉब्लम, वो हो गया सबसे पहले। विल हैव बीन सॉल्व, दिस प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व, यह समस्या सुलझा ली गई होगी। दिस प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व। समस्या अभी एंड नहीं हुई है, समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा था कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, बहुत पहले वीडियो से क्वेश्चन बना हुआ है। कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं कि क्यों फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिवेस क्यों नहीं बनाए जाते हैं? तो भाई रीजन बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं आपसे बात करूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होती है विल बी, बिल्कुल सही, विल बी। तो अगर मैं इसका पैसिव वर्ब बनाने जाऊंगा तो वहां पर विल बी के बाद में मुझे लगाना होगा बींग। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं कि वह पतंग उड़ा रहा होगा, मतलब ही विल बी फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ा रहा होगा, ही विल बी फ्लाइंग अ काइट, पतंग उसके द्वारा उड़ाई जा रही होगी। अब ये जो सेंटेंस है ये बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वर्ब बनाने जा रहे हैं। तो इसका इंग्लिश बनेगा अ काइट विल बी बींग flown by him, a kite will be being flown by him। मतलब इसका पैसिव वॉइस जब बनाने जा रहे हैं तो बी के बाद में बींग वापस लगाना पड़ रहा है, क्योंकि रूल थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है इंग्लिश के रूल्स को। तो यहां पर इसीलिए रेयरली यूज किया जाता है, बहुत ही रेयरली, 1-10% के बीच में, 100% में से 10%, या फिर मैं कहूं कि 1-2% ही यूज किया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस को। अगर आप बात करें टेट टॉक्स की, तो वहां पर भी इस तरह के सेंटेंसेस बोले नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस पैसिव में कहे जाते हैं, लेकिन यहां पर इस तरह का कॉम्बिनेशन कहीं नजर नहीं आता है। यही रीजन है कि इन सेंटेंसेस के पैसिव वर्ब्स नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस की मैं बात करूं तो इज एम आर के बाद में बींग लगता है, और जब मैं चेंज करता हूं इन्हें परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अभी कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बींग लगाया, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब चेंज करूंगा तो बीन भी साथ में आएगा, तो बीन के साथ में उसके बाद में फिर लग जाएगा बींग। तो ये जो सेंटेंस बनाने का तरीका है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ही विल हैव बीन बींग हो जाएगा वो। तो इस तरह से दिक्कत यहां पर आती है, इस तरह से दो वर्ड्स यहां पर साथ में आ रहे हैं बीन और बींग, तो थोड़ा सा रूल को डिस्टर्ब करता है। यही रीजन है कि यहां पर सेंटेंसेस बनाए नहीं जाते हैं। एक बुक है जिसमें इस तरह के सेंटेंसेस दिए गए थे, मुझे उस बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो इस तरह से यही रूल होता है, यही प्रॉब्लम थी इंग्लिश में, इसलिए इसे ओवरकम करने के लिए यहाँ पर इन्हें इन टेंसेस को हटा ही दिया गया है, इनके पैसिव वॉइस इसीलिए बनाए नहीं जाते हैं। तो इस रूल को ध्यान रखिएगा, तो ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइएगा कि क्यों नहीं बनते हैं, बड़ा सिंपल सा रीज़न है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बीन और बींग या फिर बी या बींग साथ में नहीं आते हैं, यही रीज़न है कि इन्हें ओवरकम करने के लिए हटा दिया गया है इन टेंसेस को, इनके पैसिव वॉइस कभी नहीं बनाए जाते हैं। तो कैसे लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक पॉजिटिव कमेंट मुझे कॉन्फिडेंस देता है, और कभी कभी कमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो मुझे भी सोचने का मौका मिलता है। तो कमेंट जरूर करते रहिएगा ताकि आप भी स्ट्रांग बने और मैं भी स्ट्रांग बनूं अपने माइंड से।
आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा। एक और बात, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक फॉलो कीजिएगा, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दिए हैं, उन्हें ट्राई कीजिएगा ट्रांसलेशन की, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेट बताया है इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस है, तो आपको एक्सरसाइज भी हो जाएगी उन सेंटेंसेस की। तो इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में, जिसमें डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी के बारे में, जो कि एक बहुत ही कोर पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।